साथियों, दशकों के अपने शासन में कांग्रेस ने कभी नारे दिए, कभी वायदे किए, लेकिन उन्हें पूरा करने का इरादा नहीं दिखाया। गरीब जब बीमार पड़ता था तो उसे नारा मिलता था, गरीब को रोजगार चाहिए था तो भी उसे नारा मिलता था, गरीब को अन्न चाहिए था तो भी उसे नारा मिलता था, गरीब को शिक्षा चाहिए थी तो भी उसे नारा मिलता था। साथियों, हमने झूठे नारों की परंपरा को खत्म किया और निर्णय प्रक्रिया शुरू की। इसी का परिणाम है कि बीते 4-5 वर्षों में हजारों लाखों लोग भीषण गरीबी की स्थिति से बाहर निकले हैं। हमने गरीबों को गरीबी से बाहर तो निकाला ही है, साथ ही साथ हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि वो वापस गरीबी में न फंस जाए, फिर से वो वहीं न फंसे, गरीब बीमार न पड़े। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। सिर्फ इतने भर ही गांव और गरीब को हजारों रुपया बचा। गरीब बीमारी की स्थिति में गरीब को अपने घर बार खेत खलिहान ना बेचना पड़े, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना बनाई। इसमें हर वर्ष देश के करीब करीब 50 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए इलाज के लिए सुनिश्चित किया। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार को झुग्गी में रहने के लिए मजबूर ना होना पड़े, इसके लिए अपना पक्का घर देने का काम हम कर रहे हैं। जिन युवा साथियों को गरीबी का कारण स्कूल छोड़ना पड़ा, उनको स्किल इंडिया अभियान के तहत काम भी सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी का ऋण भी दिया जा रहा है। साथियों, किसान को छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए साल में 3 बार सीधी मदद बैंक खाते में दी जा रही है।